हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 100। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिखा 1/2, 1/4, 1/8 अप टू 100। थर्ड इज 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 100। फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते 1, 3, 9 अप टू 100। सीक्वेंस होती क्या है? हम नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग ए फिक्स्ड रूल। अब यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट नंबर लिया 1, ठीक है। सेकंड हमने 3 लिया, मींस 1 में 2 ऐड किया, मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड करूँगी 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करूँगी 7 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। इस तरह से हम जो सारे नंबर्स इसके निकाल सकते हैं 2, 2, 2, 2 ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रूल मिल जाता है कि हम नंबर्स में 2, 2 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो हमने ले रखा है एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/8 अप टू 100। दैट मीन्स अगर मैं 1/2 / 1/4 करती हूँ, मीन्स इसके डिवाइड इनका रेशो निकालती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 × 4/1 2। तो 2 इसका रेशो आ गया 2। अगर मैं सेकेंड और थर्ड टर्म का रेशो निकालती हूँ 1/4, 1/8 दिस इज 1/4 × 8/1 2। देन हमारे पास एक रूल बन गया कि अगर मैं इन टर्म्स का रेशो निकालती हूँ, फर्स्ट सेकंड का रेशो फाइंड आउट करते हैं, सेकंड थर्ड का करते हैं, तो रेशो हमारा सेम आता जा रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में क्या दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम, 5 इज ऑल्सो। वैसे तो कोई रूल नहीं बन रहा कि हम कोई ओड नंबर ले रहे हों या फिर इनकी सब्ट्रैक्शन इक्वल आ जाए, तो कोई भी रूल हो सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ द ऑल प्राइम, सॉरी सेट नहीं, ये सारे के सारे जो आपके पास नंबर्स हैं, सीक्वेंस जो है सीक्वेंस ऑफ ऑल प्राइम नंबर। हम लिखते हैं 1, 3, 9, 27 अप टू 100। यहाँ पे अगर हम रेशो निकालते हैं 3 और 1 का रेशो, 3, 9 और 3 का रेशो 3, 27 और 9 का रेशो दिस इज ऑल्सो 3। तो सबका रेशो सेम आ रहा है। जैसे जैसे हम दो दो टर्म्स का रेशो निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ का, तो सबका रेशो सेम आ रहा है। तो यहाँ से सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या निकल जाती है कि हम नंबर्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग ए फिक्स रूल। यहाँ पे भी हमारे पास एक रूल अप्लाई हो रहा है, हम 2, 2 ऐड कर रहे हैं, रेशो सेम है, ऑल प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे भी रेशो सेम है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फिक्स्ड रूल। फिक्स्ड कोई सबके लिए, सभी सीक्वेंस के लिए कोई सेम रूल नहीं होता, अलग अलग रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस हो जाएंगे। सीक्वेंस की सेकेंड आपके पास क्या होता है कि जो टर्म्स लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट, थर्ड, 3, 5, 7, 9, तो सबके बीच में आपके पास कॉमाज मिलेगा, ठीक है। ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज सेपरेटेड बाय कॉमाज, तो ये आपके पास सीक्वेंस होती है। अगर हम मैथमेटिकली डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच हैज अ नेचुरल डोमेन, विच हैज़ ए नेचुरल डोमेन। ये कैसे बताएंगे हम, सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल होने चाहिए। दैट मीन्स अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस ले रखी है हमने, दिस नंबर इज द, ये जो नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम बोलते हैं टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म,
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से हम इनको टर्म्स बोलते हैं। तो डिनोट किसे करते हैं, स्मॉल ए वन से भी डिनोट कर सकते हैं और टी वन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टर्म ए टू, या फिर टी टू बोल सकते हो। दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टर्म्स निकाल लें तो सीक्वेंस हमारी किस फॉर्म में आ जाती है, ए वन, ए टू, कॉमा ए थ्री, कॉमा ए फोर, अप टू सो ऑन, इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस चलती है। अब हमने कहा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। हैज ए नेचुरल नंबर्स एज अ डोमेन, तो ये नेचुरल नंबर जिसकी डोमेन होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो ए एन या फिर टी एन, दिस इज द nth टर्म, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसको बोलते हैं ये सीक्वेंस की nth टर्म है, ठीक है। जैसे हमने बोला ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड टर्म, दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ए एन या तो ए एन से डिनोट करते हैं या हम टी एन से डिनोट करते हैं। दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हम लेते हैं तो ये हमारी nth टर्म होती है, या इसको हम बोल सकते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। नाउ अगर आपके पास ए एन गिवन है तो आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर ए एन आपके पास nth टर्म गिवन है तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज अ सीक्वेंस वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से नेचुरल नंबर, अगर एन आपके पास नंबर्स हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एन की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारी कंप्लीट सीक्वेंस आ जाएगी, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये है आपके पास सीक्वेंस, nth टर्म हो गया नंबर आपके पास, ये इनको बोलेंगे टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरीज की, सीरीज क्या होता है, सीरीज, सीरीज में अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देते हो, फॉर एग्जांपल ए वन, ये हमने कोई सीक्वेंस उठा रखी है, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू सो, ये जो आपके पास दिख रही है दिस इज नोटेशन, दिस इज अ सीरीज ऑफ द सीक्वेंस, यानी जो जो टर्म्स आपके पास होती हैं सीक्वेंस की, अगर उनको हम एडिशन में डिनोट कर देते हैं, दिस इज द नॉट अ सम ऑफ ऑल ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसको सिर्फ आपको डिनोट करना है सीरीज में, अगर हम ऐसे ये लिखेंगे कि ये आपके पास सीरीज है, ओके। बट जैसे हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सॉन, ये हमारी क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। सीरीज कैसे बनेगी, अगर हम सीरीज लेते हैं तो सीरीज हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 3, जितने भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की उनको हम एडिशन की नोटेशन में लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी सीरीज, ठीक है। बट सम ऑफ सीरीज अलग है, सम ऑफ सीरीज अगर मैं कर रही हूँ, सम ऑफ सीरीज हमने ले लेके, हमारे पास ओनली 4 टर्म है सीक्वेंस में, ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है जिसमें 4 टर्म है, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज हो गई, इन टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। अब हमने कहा सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज अगर हम करते हैं देन हम इनको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 5 प्लस, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, सीरीज जब आप लिखोगे तो सम की नोटेशन में लिखोगे, बट सम ऑफ सीरीज बोला जाएगा तो इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, ओके। लेते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर अप टू सॉल्व, ठीक है। तो सीरीज अगर हम इसकी बनाएंगे, सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, अप टू सॉन हम ए एन ले लेते हैं इसमें, इसकी सीरीज कैसे बनेगी, इन टर्म्स को अगर हम एडिशन के नोटेशन में लिख देंगे ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू सॉन ए एन, ठीक है। तो सीरीज को मोस्ट ऑफ हम समेशन में डिनोट करते हैं, समेशन के इक्वल टू 1 टू एन, ए
के, समेशन का मतलब होता है एडिशन, हम के की वैल्यू पुट करते जाएंगे वन से लेकर एन तक, हमारी पूरी सीरीज आ जाएगी। ओके, हमने पहले वन रखा ए वन आ जाएगा, टू रखा ए टू आ जाएगा, के की वैल्यू थ्री रखेंगे ए थ्री, प्लस अप टू सो ऑन ए एन। तो सीरीज को हम दिखाते हैं इन फॉर्म ऑफ समेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सीक्वेंस, देन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव, अगर हम सिर्फ पांच टर्म ले लेते हैं, सीक्वेंस हमेशा कॉमास में होती है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस होगी फाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर जो टर्म्स है वो आपके पास फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100, ये सीक्वेंस आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बिकॉज यहाँ पे डैश डैश लगा के हमारी टर्म्स चलती जा रही हैं। नेक्स्ट इज ऐसे भी सीक्वेंस होती हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, जैसे अब यहाँ पे देखें तो हम अगर फर्स्ट टर्म में वन ऐड किया सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड में वन ऐड किया थर्ड आ जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है यहाँ पे। इसमें देखें तो हम टू टू ऐड करते जा रहे हैं, हमारी टर्म्स आती जा रही हैं, बट ऐसे भी सीक्वेंसेज होती हैं जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सीक्वेंस 1, 1, 2, 3, 5, 8 अप टू 100, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस देखें तो इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, मीन्स फर्स्ट टर्म वन, सेकंड भी वन, थर्ड टू, देन थ्री, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इनका रेशियो ही सेम हो या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो आपके पास वैल्यू आई वो सेम हो। तो इनमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू 100। यहाँ पे आपके पास रूल गिवन होगा एनएस, जैसे हमने ले लिया कि फर्स्ट टर्म हमारे पास वन है, सेकेंड इज ऑल्सो वन, ठीक है, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म हमारे पास टू है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए वन प्लस ए टू, दोनों अगर हम इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, ऐड करेंगे टू आ गया, ठीक है। ए फोर, ए फोर इज अ थ्री, फोर्थ टर्म हमारे पास थ्री गिवन है, तो इसको हमने लिख दिया ए टू प्लस ए थ्री। अगर मैं इन दोनों टर्म्स की एडिशन कर देती हूँ, ए टू की वैल्यू वन है और ए थ्री की वैल्यू टू है, तो थ्री आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से अप टू 100 अगर मैं इसकी जनरल टर्म निकालूँ ए एन, तो क्या आ जाएगी ए एन माइनस वन, सॉरी ए एन माइनस टू। अब देखो यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे टू है, यानी चार से दो कम, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे फोर, तो फोर से एक कम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं एन लेती हूँ तो इसमें से दो माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी टर्म, एंड इसमें से एन माइनस वन कर, तो इस तरह से आपके पास एन टर्म आ जाएगी। अगर आपके पास इसी सीरीज सीक्वेंस में पूछा जाए कि हमें ए टेंथ चाहिए, ए टेंथ टर्म बताइए, तो ए टेंथ की वैल्यू क्या आएगी, टेंथ टर्म अगर आपको बतानी है, तो हमने ये पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन है, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू टेन रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा ए एन ए टेन, और यहाँ से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ए सेवन निकालनी पड़ेगी, ए एट, ए नाइन, एन की वैल्यूज रखते जाएंगे और टर्म्स फाइंड आउट करते जाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, तो आपको ऐसा रूल गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा nth टर्म में। वन, फाइंड द फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म आपके पास गिवन है, आपको फर्स्ट फाइव टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट फाइव टर्म्स, ठीक है, पहली पांच टर्म निकाल लिए, nth टर्म आपके पास गिवन है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, मींस हम n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, हमने पांच टर्म चाहिए तो हम यहाँ से पांच तक पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले n इक्वल टू वन, देन ए वन इज अ फर्स्ट टर्म, ये चीज़ ध्यान रखनी कि ए वन हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ए टू सेकेंड टर्म, ए थ्री, ऐसे अगर ए ट्वेंटी वन बोला जाए तो इसका मतलब वो ट्वेंटी वन टर्म है ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से ए वन हम फाइंड आउट करेंगे, तो वन की जगह पे हमें रखना है, सॉरी एन की जगह पे रखना है वन, दिस इज वन इन टू थ्री, थ्री आ जाएगा। इफ़ एन इक्वल टू टू, ए टू इज है, हम टू पुट कर देंगे यहाँ पे, टू प्लस टू, टू इंटू फोर,
एट, ए थ्री निकालेंगे तो एन हमारा थ्री होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सारा हम इसके अंदर पुट करते जा रहे हैं। ए थ्री निकालोगे यहाँ पर, थ्री इंटू थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू, थ्री इंटू सिक्स एटीन, एन इज फोर, देन ए फोर इज इक्वल टू फोर इंटू फोर प्लस टू, सॉरी यहाँ पे आएगा फाइव, फिफ्टीन, ठीक है, थ्री और टू फाइव, एडिशन था ये, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, एन इक्वल टू फाइव, ए फाइव आ जाएगा, फाइव इंटू फाइव प्लस टू, फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास टर्म्स आते जाएंगे। दिस नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपके पास ऐसे ही करना है, एन की वैल्यू हम वन पुट करेंगे, तो वन अपॉन वन प्लस वन, दिस इज वन बाई टू, इज ए फर्स्ट टर्म, एन इज इक्वल टू टू रखते हैं, तो टू अपॉन टू प्लस वन, दिस इज सेकेंड टर्म, ए थ्री निकालेंगे तो एन के प्लेस पे हम थ्री पुट कर देंगे, थ्री प्लस वन थ्री बाय फोर, ए फोर इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर प्लस वन, फोर अपॉन फाइव, ए फाइव इज इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव प्लस वन, फाइव बाय सिक्स, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, ए वन टू रेज टू पावर वन टू, ए टू टू रेज टू पावर टू, एन के प्लेस पे टू पुट करेंगे, दिस इज फोर, ए थ्री इज टू रेज टू पावर थ्री एट, ए फोर इज अ टू रेज टू पावर फोर सिक्सटीन, एंड ए फाइव टू रेज टू पावर दिस इज थर्टी टू। फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो फर्स्ट बोला जाता है तो एन की वैल्यू वन से स्टार्ट करते हैं, थ्री फोर फाइव, पांच तक वैल्यूज पुट करेंगे, ए वन आ जाएगा, एन के प्लेस पे हमें वन पुट करना है, माइनस थ्री बाय सिक्स, दिस इज टू माइनस थ्री बाय सिक्स, माइनस वन बाय सिक्स, ए टू अगर फाइंड आउट करते हैं, टू इंटू टू माइनस थ्री बाय सिक्स, टू इंटू फोर फोर माइनस थ्री बाय सिक्स, वन बाय सिक्स, ये आपके पास था माइनस वन बाय सिक्स, ए थ्री निकालते हैं, टू इंटू थ्री माइनस थ्री सिक्स, माइनस थ्री बाय सिक्स, दिस इज द थ्री बाय सिक्स, वन बाय टू आ जाएगा। सेम टू सेम आप ए फोर निकालेंगे, ए फाइव निकालेंगे, फोर के लिए हम सॉल्व करेंगे टू इंटू फोर माइनस थ्री बाय सिक्स, और ए फाइव के लिए सॉल्व करेंगे टू इंटू फाइव माइनस थ्री बाय सिक्स, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, पांचों टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन, एन के प्लेस पे आप पुट करेंगे, फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए हमें इसके भी, माइनस वन रेज टू पावर वन माइनस वन इंटू फाइव रेज टू पावर वन प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जहाँ जहाँ पे भी एन है वहाँ पे हम वन पुट कर रहे हैं, ठीक है। देन माइनस वन रेज टू पावर वन माइनस वन इज अ माइनस वन रेज टू पावर जीरो, एंड फाइव रेज टू पावर टू, माइनस वन रेज टू पावर जीरो इज वन, ठीक है, एंड फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, तो आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव। ए टू निकालेंगे तो एन को हम टू पुट कर रहे हैं, माइनस वन रेज टू पावर टू माइनस वन, फाइव रेज टू पावर टू प्लस वन, माइनस वन रेज टू पावर वन टू माइनस वन इज अ वन, फाइव रेज टू पावर थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी फाइव। ए थ्री निकालेंगे तो एन के प्लेस पे थ्री पुट कर देंगे, माइनस वन रेज टू पावर थ्री माइनस वन, फाइव रेज टू पावर थ्री प्लस वन, दिस इज माइनस वन रेज टू पावर टू इंटू फाइव रेज टू पावर फोर, ठीक है। तो माइनस वन स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, सिक्स टू फाइव, ए फोर इज एन के प्लस में हम फोर पुट करेंगे तो ए फोर आ जाएगा, यानी फोर टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर फोर माइनस वन इज ए थ्री, एंड फाइव रेज टू पावर फोर प्लस वन इज ए फाइव, तो माइनस फाइव रेज टू पावर फाइव, इसको हम फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम ए फाइव निकालेंगे तो माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन, एंड फाइव रेज टू पावर फाइव प्लस वन, माइनस वन रेज टू पावर फोर, फाइव रेज टू पावर सिक्स, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम,
यहाँ पे भी आपको ऐसे निकालना है एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पहली पांच टर्म पूछ रखी है हमसे, तो ए वन निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे भी एन है वन पुट कर दीजिए, 1 × 1² + 5/4 दिस इज़ अ 1, 1 + 1 = 6/4, 3/2 ठीक है। ए टू निकाल रहे हो तो 2 × 2² + 5/4 2 × 2² = 4, 4 + 5 = 9 बाय फोर दिस इज 9/2। ए थ्री निकालेंगे, एन के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, 3 × 3² + 5/4 3 × 9 + 5 = 14 4 × 2 = 7 21/2 ठीक है। सेम टू सेम हम ए फोर एंड ए फाइव फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो ए फोर आ जाएगा और एन की वैल्यू 5 रखेंगे तो ए 5 आ जाएगा। क्वेश्चन 7th इज फाइंड ए 17, a 24 वेयर ए एन यानी nth टर्म हमारे पास गिवन है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर nth टर्म आपके पास गिवन है तो आप सीक्वेंस की किसी भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है। अब ए nth टर्म दे रखी है हमें यानी जनरल टर्म दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है ए 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एन यहाँ पे ए 17, दैट मीन्स अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एन इक्वल टू 17 पुट कर देते हैं यहाँ पे जनरल टर्म में तो मेरे पास ए 17 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए ए 17 इज इक्वल टू 4 × 17 - 3 ठीक है, 68 - 3 दिस इज 65। ए 24 चाहिए हमें, एन के प्लेस पे हम रखेंगे 24 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 24 - 3 देन 24 × 4 = 96 93 आ जाएगा ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन 8 करना है, फाइंड ए 7 वेयर एन द टर्म दे रखी है ए एन इज इक्वल टू n² / 2^n देन वी पुट एन इज इक्वल टू 7 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है एन एस टर्म ठीक है। देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए 7 × 2^7 7² × 2^7 दिस इज 49 दिस इज 32 128 ये आ जाएगा आपके पास ए 7। क्वेश्चन 9th इज फाइंड ए 9 9th टर्म हमें निकालनी है वेयर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। nth टर्म हमें गिवन है ए 9 फाइंड आउट करनी है ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, पुट n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा हमारे पास ए 9 दिस इज इक्वल टू -1 raised to power 9 - 1 9 के प्लेस पे हमें 9 पुट सॉरी n के प्लेस पे 9 पुट करना है 9 raised to power 3 -1 raised to power 8 8 इज अ इवन नंबर -1 raised to power 8 इज अ 1 ठीक है 9 raised to power 3 तो ये हमारा प्लस 1 हो गया दिस इज 81 × 9 देन 9 और 729। क्वेश्चन 10th देखिए, फाइंड द 820 वेयर एन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये भी सेम ही है यहाँ पे हम n को 20 पुट कर देंगे इन द जनरल टर्म। तो यहाँ से आ जाएगा 820 दिस इज इक्वल टू 20 × 20 - 2 / 20+3 ठीक है। दिस इज इक्वल टू 20 × 18 / 23 इसको सॉल्व कर लेंगे दिस इज अवर 20th टर्म देन 0/23। क्वेश्चन 11th राइट अ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय ए वन इक्वल टू 3 यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3 a n - 1 + 2 एन एस टर्म गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है और बोला गया है कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कंडीशन हमारे पास है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए तो फर्स्ट 5 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है। ए वन तो हमें गिवन ही है ए वन इक्वल टू 3 सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा n को पुट करेंगे 2 3 4 5 एंड 6
सिक्स तक क्यों? क्योंकि हमें पांच टर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ तक हमारे यहाँ से आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एन को टू पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट ए टू इज इक्वल टू थ्री ए, यहाँ पे टू रखा हमने, टू माइनस वन इज ए वन आ जाएगा, प्लस टू ए वन, टू माइनस वन इज ए वन, प्लस टू दे रखा है। अब ए वन की वैल्यू हमें गिवन है थ्री, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए वन की वैल्यू, थ्री इंटू थ्री प्लस टू, दिस इज नाइन प्लस टू इलेवन, सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास। ओके, सेम टू सेम हम ए थ्री निकालेंगे, कब? जब एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे इन जनरल टर्म, ए थ्री रखते हैं, थ्री इंटू ए थ्री माइनस वन इज ए टू प्लस टू, थ्री इंटू ए टू की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, थ्री इंटू इलेवन प्लस टू थर्टी थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव। इफ एन इक्वल टू फोर देन ए फोर, थ्री इंटू ए फोर माइनस वन इज ए थ्री प्लस टू, थ्री इंटू ए थ्री की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, थर्टी फाइव प्लस टू, सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू वन जीरो सेवन, ठीक है। इस तरह से हम इसकी जितनी भी टर्म पूछी जाए सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली पांच टर्म पूछी गई है तो आप छः शुरू, ए वन तो हमें गिवन ही है, चार हम निकाल देंगे तो पहली पांच टर्म हो जाएंगी, तो आपको सिर्फ एन इक्वल टू फाइव पे और फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम टू सेम हमें इसमें गिवन है, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ए, फाइव टर्म्स निकालनी है, अगर एन टर्म ये दे रखी है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, मीन्स एन की वैल्यू हम रखेंगे टू थ्री फोर एंड फाइव, और ए वन हमें गिवन है, ए वन इज माइनस वन, फर्स्ट टर्म इज माइनस वन, देन हमें बाकी की चार निकालनी क्योंकि हमें फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर एन टर्म में एन टर्म क्या दे रखी है, ए एन माइनस वन बाय एन, यहाँ पे हम लेके चलते हैं एन इक्वल टू टू, तो ए टू क्या आ जाएगा, ए टू माइनस वन बाय टू, दिस इज ए वन बाय टू, और ए वन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ। एन इक्वल टू थ्री लेते हैं, देन ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इज अ टू बाय थ्री, एन के प्लेस पे हमने थ्री रखा है, ठीक है। देन ए टू की वैल्यू हमने निकाली है माइनस वन बाय टू, और डिवाइड में है थ्री, देन दिस इज वन बाय टू, इसको बाय वन कर लेते हैं, रिवर्स हो जाएगा वन बाय थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय सिक्स। इस तरह से हम बाकी की टर्म्स निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू फोर लेंगे तो हमारे पास ए फोर की वैल्यू आ जाएगी, ए थ्री डिवाइड बाय फोर, ए थ्री की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से, माइनस वन बाय सिक्स इंटू वन बाय फोर, वन बाय ट्वेंटी फोर। एन इक्वल टू फाइव पुट करते हैं, ए फाइव, ए फोर डिवाइड बाय फाइव, ठीक है। यहाँ पे फाइव पुट करेंगे तो फाइव माइनस वन इज अ फोर, तो फोर टर्म की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे पीछे वाली, माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर इंटू वन बाय फाइव, माइनस वन ट्वेंटी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन थर्टीन देखिए, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द सीक्वेंस इफ ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू टू एंड ए एन एन टर्म दे रखी है, ए एन माइनस वन माइनस वन, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन टू रखनी है हमें, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स हमें गिवन ही है, ठीक है। तो एन इक्वल टू थ्री फोर और फाइव रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए, तो दो टर्म हमें गिवन है, तीन टर्म हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम एन टर्म में एन इक्वल टू थ्री गिवन, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ए थ्री, दिस इज ए थ्री माइनस वन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए टू माइनस वन, और ए टू की वैल्यू कितनी है, टू, दिस इज टू माइनस वन इक्वल टू वन। एन इक्वल टू फोर पुट करते हैं, ए फोर आ जाएगा, ए फोर माइनस वन इज ए थ्री एंड माइनस वन, थर्ड टर्म की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है तो वन आ जाएगी, वन माइनस वन इज अ ज़ीरो। एन इक्वल टू फाइव, ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर माइनस वन, ए फोर ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन इज माइनस वन,
ठीक है। अगर हमें इसी सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग अगर सॉरी सीक्वेंस की सीरीज़ निकालनी है तो सीरीज़ आप कैसे निकालोगे? सीरीज़ बनानी है इस सीक्वेंस की। फर्स्ट टर्म इज अ टू, सेकेंड टू, थर्ड हमने निकाली वन, फोर्थ जीरो, फिफ्थ माइनस वन, और एन की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो सीरीज़ कैसे बनाते हैं हम? जो भी सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उसको एडिशन में लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म यानी सीरीज होती है हमारे पास ए वन ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस अप टू सोन। ठीक है, ए वन की वैल्यू इज अ टू, टू प्लस ए टू इज ऑल्सो टू, प्लस ए थ्री वन, प्लस ए फोर की वैल्यू ज़ीरो, प्लस ए फाइव की वैल्यू माइनस वन, प्लस अप टू सोन। तो ये आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में शायद पूछा गया था, तो वहाँ पे सारी जो आपने टर्म निकाली है उनको आप एडिशन की फॉर्म में लिख दोगे, माइनस किए तो ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हमें एडिशन में लिखना है, सिर्फ इनको एडिशन में लिखना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ 14 क्वेश्चन, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? जो आपके पास दे रखी हो इस तरह से nth टर्म के रूल में जो दे रखी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टू टर्म दे दी हमें और आगे हमें nth टर्म का रूल दे दिया जाए तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फाइंड आउट करेंगे भाई यहाँ से n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, n की वैल्यू देखिए हम पे फाइंड करना है हमें ए एन प्लस वन बाय ए एन, एन की वैल्यू वन से लेकर फाइव तक होनी चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पे फाइव रखती हूँ तो मेरे पास टर्म आएगी ए सिक्स, लास्ट में मुझे निकालना है ए सिक्स बाय ए फाइव, तो मेरे पास आनी चाहिए स्टार्टिंग की छः टर्म। टू हमारे पास है एन इक्वल टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, हम ये नंबर पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। ठीक है, एन ग्रेटर देन टू है तो हम स्टार्टिंग में लेते हैं एन इक्वल टू थ्री, तो ये हमारे पास पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एन इक्वल टू थ्री अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस वन प्लस ए थ्री माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ए टू प्लस ए वन, ए टू की वैल्यू भी वन, ए वन की वैल्यू भी वन है, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन इज अ टू। नेक्स्ट एन इक्वल टू फोर पे निकालते ए फोर इज इक्वल टू फोर माइनस वन इज अ थ्री प्लस ए टू, ए थ्री की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की टू और ए टू की है वन, थ्री आ गया। ठीक है, एन इक्वल टू फाइव पे भी सेम टू सेम निकालना है आपको, एन इक्वल टू फाइव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे तो फाइव माइनस वन इज अ फोर, ए फोर प्लस ए थ्री, ए फोर की वैल्यू थ्री प्लस ए थ्री की वैल्यू टू यहाँ से। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाइव, एन इक्वल टू सिक्स पुट करते हैं तो ए सिक्स आ जाएगा, ए सिक्स ए फाइव प्लस ए फोर, ए फाइव, ए फाइव हमारे पास वैल्यू दे रहा है फाइव, ए फोर की वैल्यू आ रही है थ्री, तो ये आ जाएगा एट। ठीक है, तो ए थ्री निकाला तो हमने ए वन ए टू का यूज़ किया, ये ए वन है, ए वन प्लस ए टू दोनों की वैल्यू रखेंगे वन प्लस वन, ए फोर निकालेंगे तो ए थ्री प्लस ए टू, ए थ्री की वैल्यू टू प्लस वन जो थ्री, ऐसे ही ए फोर प्लस थ्री तो फोर की वैल्यू थ्री थी हमारे पास, दिस इज टू, तो ये हम आ जाएंगे स्टार्टिंग की अपनी। छः तक क्यों रखा हमने? क्योंकि हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है एन इक्वल टू वन टू फाइव अगर हमें टर्म्स गिवन हो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए एन प्लस वन बाय ए एन, ए एन प्लस वन बाय ए एन वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, व्हेन एन इक्वल टू वन ए एन प्लस वन बाय ए एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा ए टू डिवाइड बाय ए वन, ए टू की वैल्यू वन, ए वन की वैल्यू वन, आंसर इज अ वन। एन इक्वल टू टू देन ए एन प्लस वन बाय ए एन, ए एन की वैल्यू टू रख रहे हैं हम तो दिस इज थ्री बाय ए टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू बाय वन, एन इक्वल टू थ्री निकालेंगे तो ए यहाँ पे एन इक्वल टू थ्री पुट कर दो डायरेक्ट फोर बाय ए थ्री, दिस इज ए फोर की वैल्यू थ्री और ए थ्री की वैल्यू टू। नेक्स्ट एन इक्वल टू फोर, फोर रखेंगे यहाँ पे फाइव बाय ए फोर,
ए फाइव की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 डिवाइड बाय ए फोर, ए फोर 3, ठीक है, एन इक्वल टू 5 लेते हैं तो ए सिक्स चाहिएगा हमें और डिवाइड बाय ए फाइव, इसीलिए हमने यहाँ पे ए सिक्स फाइंड आउट किया है, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास आ गया रेशो ऑफ दिस जो आपको पूछ रखा है। अगर हमें इसी सीक्वेंस की सीरीज़ बनानी है तो सीरीज़ कैसे लिखोगे आप, सीरीज़ फर्स्ट टर्म 1 प्लस सारे टर्म्स को जो है एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड इज ऑल्सो 1 प्लस थर्ड टर्म, थर्ड इज ए 3 2 प्लस फोर्थ टर्म इज अ 3, फिफ्थ टर्म इज अ 5 प्लस 8 प्लस अप टू सम, दिस इज अ सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये आपके पास 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, अब इसको ट्राई कीजिए, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2।